Oh, se radio un programa. जब मांग में अनुपात के परिवर्तन और आय में अनुपात के परिवर्तन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो इसे मांग की धनात्मक आय लोच कहा जाता है। अर्थात मांग में अनुपात के परिवर्तन और आय में अनुपात के परिवर्तन दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो इसे मांग की धनात्मक आय लोच कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़े और आय घटती है तो मांग घटे। इस प्रकार की सोच श्रेष्ठ वस्तुओं की बढ़े इसे धनिक वर्ग की वस्तु भी कहा जाता है। रेखाचित्र द्वारा इसे हम इस प्रकार बता सकते हैं। स्पष्ट है कि जब आज वायु है तो मांग प्रकट है, जब आज वायु बन लगती है तो मांग प्रकट है, कोटि बन लगती है। अर्थात आयु परिवर्तन और मांग परिवर्तन दोनों एक ही दिशा में हो रहे हैं, अतः मांग की आयोच धनात्मक है। इस प्रकार की लोच श्रेष्ठ वस्तुओं की पाई जाती है, अर्थात वे वस्तुएं जो धनी वर्ग के द्वारा काम में
जब आगे परिवर्तन के बावजूद भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात आय घटे या बढ़े मांग इसलिए बन जाती है, इस प्रकार के आयोज को हम शून्य आयोज कहते हैं। इसे हम रेखा चित्र द्वारा इस प्रकार बता सकते हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र से स्पष्ट है कि आय में परिवर्तन के बावजूद भी मांग में कोई परिवर्तन मांग के आयोज अधिक है शून्य है, इसे हम शून्य आयोज कहते हैं। इस प्रकार की लोग तटस्थ वस्तुओं की भाई जब आय में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन दोनों विपरीत दिशा में होता है, यानी आय और मांग मात्रा दोनों विपरीत दिशा में परिवर्तित होते हैं, इस प्रकार के लोग राज कहते हैं। इस प्रकार के लोग घटिया वस्तु की पाई जाती है, इसे हम रेखा चित्र द्वारा जब आय वाई है तो मांग टू है, जब आय वाई वन हो जाती है तो मांग वो टू वन हो जाती है, अर्थात आय परिवर्तन